आंख पे लाके बोलेगा क्या? अजमेर से ब्यावर पहुंच गया, तुम ब्यावर तो नहीं। अरे मैं भी शायद तक से गर्म हो रहा है इंजन भाई, तो बहुत गंदा धुआं निकल रहा है भाई। एक मिनट रुकेगा, खोल के वो दोबारा ट्यूब लगानी पड़ेगी। पकड़ना भाई। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि बाइक ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। छोटी गंगा बोल के नाली में कुदा दिया। पहुंच गया अंदर तक, मेरे भी पानी। अब क्या है, भिगाओ कच्चे भी। आप आशा मेरे इतने करीब मत आओ देव। वीडियो में मेरा भैया हुए मलाइका जी, मन फोटो मलाइका जी। आज है 8 जुलाई एंड अभी रात के 2 बज रहे हैं भाई, और मैं अभी पिक करने जा रहा हूँ मेरे एक बहुत खास दोस्त को जो कि आ रहे हैं दिल्ली से भाई। और दिल्ली से क्यों आ रहा है उसका बहुत बड़ा रीजन है, बट वो एक बार आ जाए उसके बाद मैं आपको बताऊँ। ये रहे हमारे तरुण भैया। कैसी रही राइड आपकी सर जी? एकदम मस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू राजस्थान। 11 घंटे की राइड। टिपिकल राइड करके आया, और आया किस पे? अपाची पे। अपाची ब्रो, तूने बोला था कोई नाम नहीं रखा, व्लॉग में आया है तो भूसा रखा ना मैंने इसका। अच्छा, अब उसके बाद भूसा रखा। भूसा ही है। 6.5 hours later। तो आज 8 जुलाई और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 भाई। आज हम कहीं राइड पे निकल रहे हैं भाई, कौन कौन निकल रहे हैं वो सब आपको बताएंगे, बट उससे पहले मैं पैकिंग कर लेता हूँ झट से फट से ठट से। भाई क्या चोरी किया? कल तुझे जो काम बोला था मैंने, जिसकी वजह से तेरे सारे कपड़े गीले हुए, पहले तो तेरा कैमरा साफ कर। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, वो नहीं आ रहा साफ, एक सेकंड दे दियो भाई। हाँ तो जिस चीज़ के लिए आपको मैंने अवेयर करा था कि ये चीज़ करना, लगेज पैकेज इनके थ्रू करना, आपने नहीं करा, आपके कपड़े गीले हो गए, तो मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ। भाई इसको कोई शौक नहीं है ये सब करने का, आज इसके कपड़े भी उसी बैग में जाने वाले, इसलिए इंटरेस्ट है। एक सारी टैंक बैग ले रहा हूँ मैं, चल आजा। तो टैंक बैग में कितने जोड़ी कपड़े आएंगे तेरे? चल रहा हूँ ना भाई। हेलो बॉय, वेरी गुड मॉर्निंग बॉय। गुड मॉर्निंग बॉय। आंख पे लाके बोलेगा क्या? गुड मॉर्निंग। मुंह पे लाके बोलूंगा भाई। गुड मॉर्निंग भाई। भाई गुड मॉर्निंग भाई। ब्रो गुड मॉर्निंग। अभी भाई ऑलमोस्ट 11 बजने वाले, एंड आप देख सकते हो कि भाई अभी हम 4 जने मिलके निकल रहे टूवर्ड्स उदयपुर भाई। आज हम 4 जनों के अलावा हमारे साथ 2 जने और भी हैं, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे भाई हमारे साथ कौन कौन कितने लोग जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स उदयपुर भाई, एंड मैं बहुत बार उदयपुर राइड करके गया हूँ, ठीक है? आपने मेरे बहुत व्लॉग्स देखे होंगे उदयपुर के, बट इस बार भाई मैं कुछ डिफरेंट प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं क्यों भाई मैं इतने बार उदयपुर जा चुका हूँ, उदयपुर से इतना वाकिफ हूँ, फिर भी जब भी मैं उदयपुर निकलता हूँ ना भाई मेरी रात पूरी काली होती है। मतलब मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ भाई कि मुझे नींद नहीं आती। मैं आज भी नहीं सोया हूँ रात भर, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, एंड इस बार एक्साइटमेंट का जो राज था भाई मेरा वो ये सारे थे कि हमेशा मैं उदयपुर अकेला जाता हूँ, बट इस बार बहुत सारे भाई लोग हैं मेरे साथ में, एंड भाई आज मैं कुछ डिफरेंट रूट भी चूज करने वाला हूँ, तो वो भी क्या डिफरेंट रूट चूज करेंगे वो भी आपको बताएंगे। भैया कितना बड़ा ग्रुप जा रहा है, बल्ले बल्ले, ओए ओए, शाबाश शाबाश, जय माता दी, जय भोलेनाथ, हे भगवान आपका आशीर्वाद बनाए रखना। तो हर बार की तरह फोटो खींची जा रही है, ठीक है माँ? जय श्री कृष्णा। साउंड चेक, बेबी 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 बेबी, ओए ओए ओए, बेबी बेबी बेबी, ओए ओए ओए, बेबी बेबी बेबी। भैया देखो ये ज़्यादा लंबा रन नहीं है, ठीक है, घर के बाहर ही रुकना है। आए ब्रो सॉरी। अरे 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 सॉरी, अजमेर से ब्यावर पहुंच गया, तुम ब्यावर तो नहीं। अरे तो भैया अभी आप इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, उससे मिल लिए, अभी आप मिलिए हमारे विशाल भाई से एंड गोपा जी। अभी हमारे तो भाई अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक मीटअप लोकेशन डिसाइड करा था, अभी यहाँ पे बैठ के कोल्ड कॉफी पियेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे 2 मिनट बस, फिर निकलेंगे आज उदयपुर के लिए। ओमान देखो हमारी बाइक थोड़ी सी गंदी है, तो इसे इग्नोर करना। बाइक ना धुलवाने का रीज़न ये था कि भैया वैसे भी कभी भी बारिश हो सकती है, बाइक गंदी होनी है, तो धुलवाने का काहे मतलब भैया। और ये है एडवेंचर बाइक, देखो हर जगह व्लॉगिंग व्लॉगिंग, हर जगह व्लॉगिंग चल रही है, इधर चल रही है सिनेमाटोग्राफी। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ है चिराग भाई, इसकी भी पहली एक ऑफिशियल राइड होने वाली है भाई, ये भी राइडर में जुड़ने वाला है। हिरेश, मैं, हिमालयन भाई, गोपा जी, तरुण भाई, हम सब मिलके जाने वाले हैं उदयपुर। ओहो ओहो ओहो, दिस इज कॉल्ड रियल लव, दिस इज नो बच्ची। तो भाई अभी सबसे आगे मैं चल रहा हूँ,
लीड करने की बारी हमारी है। हाँ भैया आ जाइए प्लीज, आपका ही स्वागत करने आए थे हम। तो भाई मैं आपको सबसे पहले तो मेरा रूट बता देता हूँ। ब्यावर से उदयपुर जाने के लिए भाई दो मेन रूट है, एक जाता है भिलवाड़ा होके, एक जाता है अपना भीम होके। तो भीम वाला सबसे शॉर्ट रास्ता है, हम भीम वाले रास्ते से नहीं जा रहे। विजयनगर भिलवाड़ा वाला जो रास्ता है भाई वो लॉन्ग रास्ता है, स्ट्रेट हाईवे है, उससे भी नहीं जा रहे। हम एक बहुत डिफरेंट रूट पकड़ रहे हैं ओनली फॉर फन। हम यहाँ से जाएंगे पहले पाली, फिर वहाँ से जाएंगे देसूरी की नाल, और फिर वहाँ से जाके राजसमंद होके, नाथद्वारा होके पहुँचेंगे उदयपुर। अब ये देसूरी की नाल वाला रास्ता पकड़ने का मकसद यही था कि हमें फ़न करना है, और जो देसूरी की नाल है भाई वो बहुत एडवेंचरस है। ओ ओ बड़े गड्ढे से बच गए, बड़े गड्ढे से बच गए। ईजी बॉय, ईजी ईजी बॉय, ईजी। भाई ये इंजन ऑयल लीक कर रहा है मेरे हिसाब से, मे भी शायद तक से ये यहाँ से लीक हो रहा है, मे भी ये लीक हो रहा है ना, गर्म हो रहा है इंजन। हाँ इंजन ऑयल लीक कर रहा है शायद तक से, इसलिए इतना धुआं निकल रहा है। फिल्टर होता है ना इसका? हाँ? ये फिल्टर वाली जगह है। आपने चेंज करने के बाद कितना चलाया था? मैं तो कल ही चलाया था बस। वैसे वो ढंग से लगी नहीं है, वो क्या गर्म हो जाता है ना, वो तो सील होती ना अंदर की। हाँ? वो कटिंग भाई तो बहुत गंदा धुआं निकल रहा है भाई। नहीं हो रहा, वो कैटलिक कन्वर्टर है ना, उसके ऊपर ऑयल टपका है, वो वहाँ से धुआं आ रहा है। नहीं नहीं ये क्या, अभी जो गिरा है ना, तुक्का तुक्का गिर रहा है ना, तो हवा थी पता ही चला। देख इसका जो वोल्ट है ना वो साइड में है भाई, तो वो शायद हो सकता है ढीला हो, यहाँ से टाइट करवा ले इसको एक बार। कहाँ से? ये जो फिल्टर की जगह होती है जहाँ फिल्टर। अच्छा फिल्टर टाइट नहीं किया भाई उसने ढंग से, फिर खोल के करो। नहीं नहीं खुद मत खोलियो, क्योंकि ये सील तो लगाई उसने किसी पे। सील होती है ना, ये कट गई अंदर से, कहीं ना कहीं से कट गई वो सील। एक मिनट रुकेगा, खोल खोल के वो दोबारा ट्यूब लगानी पड़ेगी। पकड़ना भाई ये, पकड़ना भाई एक बार, देखा जाएगा जो होगा। चल ठीक है, आगे जाके देखेंगे, इतना है नहीं अभी तो निकल जाए, क्योंकि पता क्या होता है चलती गाड़ी में निकलेगा। ओके खड़ी गाड़ी में कभी भी नहीं निकलेगा। ओके तो रनिंग में निकल क्योंकि घूमता है ना। ओके वो फिर वो बाहर फ्लश मारता है। ओके बैक मारता है, इसलिए फिर वो जैसे अपन पानी प्रेशर ज्यादा तेज मारे से निकलता है, खड़ा पानी कभी नहीं निकलेगा। ओके इसलिए जब चल रहा है ना तो प्रेशर बनता है। चलो एक बार अपन 20-25 किलोमीटर का रन लेते हैं, फिर देखते हैं है ना। ठीक है लेट्स गो। मतलब इंजन ऑयल शायद से लीक हो रहा है एंड धुआं आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि बाइक ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, बट ठीक है मैं ले जा रहा हूँ जय श्री भगवान के नाम से, जो होगा देखा जाएगा। देखो भगवान ने अगर ये ट्रिप प्लान कराया तो कुछ सोच समझ के कराए, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है अभी तरुण की बाइक में हवा भरनी थी वो हो चुका है, बट तरुण अभी तक नहीं निकला, आई डोंट नो व्हाई। ये कुणाल भाई निकले भाई, कुछ भी बोलो गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है भाई, स्पेशली कुणाल भाई तो हमारे जोंटेज में बहुत सेक्सी लगते हैं। गिरा है भाई ये देख, ये देख, अरे ये देख, ये देख ये सील निकली हुई है, ये देख हाँ भाई। अब हमें थोड़ा पैकअप करना पड़ेगा। ओहो पाजी इज लाइक किंग, हम भी जाएंगे भैया, हम भी जाएंगे भाई। अब आ रही है खुद को पैक करने की बारी,
बिकॉज बारिश तेज आ रही। अभी सब आगे निकल चुके हैं और मैं मेरा GoPro सेटअप करने के लिए थोड़ा सा रुक चुका हूँ, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मर रहा हूँ यार भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि रेन लाइनर पहन रखा है। एंड अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कोई धुआं नहीं निकल रहा, आई थिंक सो नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत अभी भी निकल रहा है, बट शायद ऐसे वो ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल हो गया होगा इसलिए निकल रहा होगा, देखते हैं आगे क्या होता है भाई। बट अभी ऐसा कुछ धुआं वुआ नहीं निकल रहा यार, अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर से खड़ी है गाड़ी, बट नो सच ऑयल, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट भाई। हाँ हैंडल ओके, हो रहा है, हो शिट, ये इतना ज्यादा कैसे वॉबल हो रहा है भाई। अभी और एक दिक्कत देखो भाई, पाजी की बाइक है ना भाई, ऐसे वॉबल कर रही है ना भाई यार, शिट, दिक्कतों पे दिक्कत हो रही है, दिक्कतों पे दिक्कत हो रही है, आई डोंट नो आज कितनी दिक्कतें आएगी। पहले जब निकले भाई ठीक है, तरुण के बाइक पे हवा कम थी, चलो ठीक है बहुत छोटी सी दिक्कत ठीक है, फिर भाई ये मेरी बगीरा धुआं छोड़ने लग गई, मेरी तो फटी गई थी कि गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है, बट जैसे तैसे मैं इसको ले जा रहा हूँ है ना। अब पाजी का जो हैंडल है भाई वो बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है, जैसे देखो बिल्कुल स्टेबल चल रही है भाई, उनका ऐसे 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 हो रहा है भाई, आई डोंट नो भगवान क्या चाहता है, बट जो भी चाहता है भाई अच्छा चाहता है भाई, जो होगा अच्छा होगा, देखेंगे भाई, अच्छे से सब जाए, अच्छे से सब आए, हे भगवान आपका आशीर्वाद बनाए रखना। फाइनली हम देसूरी वाले रोड पे घुस चुके हैं, एंड भाई यहाँ पे ऑफ रोड के मजा आ रहे हैं। देखो मैं जिस काम के लिए निकला था वो काम हो रहा है, आहा वाह लव यू क्रेजी क्रेजी भाऊजी, राम राम। देखा गांव की पहचान, किसी को भी बोलो राम राम, ये है गांव की पहचान भाई, इट्स लिटरली क्रेजी, क्रेजीनेस छा रखी है भाई सब में, यू डोंट इमेजिन। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ इस रोड पे आके, हाईवे पे इतना खुश नहीं था, बट यहाँ पे मेरी खुशी आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे मेरा जोश आपको नजर आ रहा होगा। बल्ले बल्ले होय होय शाबा शाबा, छोटी गंगा बोल के नाली में कुदा दिया बे। भाई यहाँ नाले में रुक के ना, पता नहीं है नाला है क्या है, सारे के सारे आके मछलियों से ना वो स्पा कराने आए थे, मछली तो मिली नहीं, गरम गरम खोलता हुआ पानी मिला है। तो भाई दिल तो बच्चा आईजी वाला सीन है, तो थोड़ी देर मस्ती वस्ती करी, अब निकल रहे यहाँ से बाइकर बॉय रॉय। तो भाई इनको भी मैंने अपना चैनल बता दिया, आपको भी बताए, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, और थोड़े से भैया से प्रेम दिखाओ ना, लाइक ठोको ठोको। तो भाई अब यहाँ से जो उदयपुर है वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है, एंड आई थिंक सो हमें 2.5-3 घंटे लग जाएंगे भाई, दिस इज नाइस, बस बारिश की कमी है भाई, ये जो रोड है ना वो बहुत प्यारा रोड है, बस बारिश की कमी है, बारिश और एक नदी और एक नाला जिसके साथ स्कैम हो सकता है भाई। तेज बारिश शुरू हो चुकी है, एंड अब हम देसूरी के अंदर एंटर करने वाले भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं अपने GoPro को बचा रहा हूँ, कम हो गई भाई, ये क्या बात हुई, पैक कर ले, अब तो पक्का है मैं भीगूंगा। मेरे राइडिंग गियर्स हमारे हिरेश भैया के पास है, रेन लाइनर ये सब। तो भाई हाल चाल देख रहे हो आप लोग बारिश के, सालो अभी तो अंदर के कच्चे भी भीगेंगे, हम बता दिए थे पहले ही, पेल लो, पहुंच गया अंदर तक मेरे भी पानी, अब क्या है भिगाओ कच्चे भी, साला सब कुछ होते हुए भी हम लोग भीग रहे हैं, कितने बड़े चूते हैं हम, सोचो आप। आशा मेरे इतने करीब मत आओ देव, तो भाई बारिश ने अपनी सारी की सारी पराकाष्ठाओं को छोड़ दिया था पीछे। एक तो ये कुणाल ना भाई साहब बाइक स्टार्ट करते ही उड़ती है इसकी बाइक, देखता नहीं पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं भाई देखो मैंने कैमरा नहीं लगा रखा था, और बारिश ऑलरेडी हम पूरा भीग चुके हैं भाई, सारे राइडिंग गियर भीग चुके हैं, हम पूरे भीग चुके हैं, बट यार इस व्यू को देखने के बाद है ना सीरियसली ये बिना कैमरा लगाए मैं रह नहीं पाया ठीक है,
मैं चाहता था कि आपको ये व्यू दिखाऊं कि मैं इस लंबे रास्ते से क्यों आया, मैंने 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों लिए भाई। मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहता था, राजस्थान में मनाली का एक्सपीरियंस करना चाहता था भाई। इफ़ अगर आप भी उदयपुर जा रहे हो ना तो एक बार मेरी बात मानना, देसूरी की नाल वाला रास्ता ज़रूर से भाई ट्राई करना, ठीक है, बहुत प्यारा रास्ता है। एंड अगर आप इस मानसून टाइम पे आते हो ना भाई तो इट्स अमेजिंग, लाइक आप देखोगे ना भाई क्या ही प्यारे व्यूज और क्या ही सारी चीज़ें हैं। मज़ा आया तरुण? देखो सब मजे ले रहे हैं। ओहो मंकी मैन, हाय भाई मजे हो रहे हैं। ओ शिट भाई मंकी, देखो भाई क्या प्यारा वेदर है, दिस इज अमेजिंग। मैंने अपने ग्लव्स यहाँ पे लटका रखे क्योंकि पूरे भीग चुके हैं, अगर मैं अभी इन्हें पहन लूंगा ना तो मेरे हाथों की लंका लग जाएगी पूरी, बहुत ज्यादा लंका लग जाएगी। अगर अपन हाईवे टू हाईवे आते ना तो ये सीधा आते। तो जस्ट यहाँ पे रुके थे अभी भाई चाय वाय पीने के लिए, अभी यहाँ से निकलते, उदयपुर ज्यादा दूर नहीं है भाई। एंड वापस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम देखो क्या खतरनाक मौसम हो रहा है भाई। पड़ावर से निकलते, ये रही अपनी बगीरा, वो रही हिमालयन, और एक हिमालयन और एक अपाची। अभी आप सोच रहे हो कि बुलेट का है, बुलेट थोड़ी सी आगे गई है काम वाम करने के लिए कुछ, तो मिलते हैं अब सीधा उदयपुर में आपसे। नहीं उदयपुर में नहीं मिलेंगे, बीच में भी मिलेंगे, बट लेट्स सी। यहाँ पे देखो भाई पार्टी शार्टी चल रही है। मैं तो जब भी रुकता हूँ ना भाई सबसे पहले ये काम करता हूँ, जूते वूते सब उतार देता हूँ भाई, एक तो गीले हो चुके हैं ना तो सारे उतार दिए भाई, कि थोड़ा तो रिलैक्स फील हो भाई। अब फटाफट से पहनते और निकलते यहाँ से। सुबह से हम चला चुके हैं ऑलमोस्ट 224 किलोमीटर भाई, 224 50 और चलने हैं, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएंगे 270-280 लगभग। कमी थी इसलिए देखो लाइट की कमी पूरी की जा रही विशाल भाई के थ्रू और हरेश भाई के थ्रू। अभी जैसे हम पहुंचे उदयपुर में भाई डोम में, जहाँ पे हमने बुक करा था, हमारा डोम बुक करने का सीन ये था कि जितने भी लौंडे रहेंगे साथ में रहेंगे मजे करेंगे भाई, बट मजे करने वाली हालत नहीं रहेगी। अभी फटाफट चेंज करते हैं, सोच रहे कि आसपास की जो थोड़ी मोटी चीजें हैं भाई उसको एक्सप्लोर करके आते हैं, डिनर करते हैं और फिर आज की दिन को ऐसे ही खत्म करते हैं भाई, क्योंकि आज का जो दिन था भाई वो जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हेक्टिक हुआ। अभी हमारे दो दिन उदयपुर में निकलने वाले, हो सकता है ये 2-3 हो जाए, हो सकता है मूड बने 3-4 हो जाए, वी डोंट नो, यू नेवर नो कि प्लान कब चेंजेस होते हैं भाई। एंड मेरे वीडियोस में तो पता नहीं भाई कभी भी चेंज हो जाते हैं। देखो भाई आज पैरों की क्या हालत हो गई, मैं देखो मैं खुद को अपने वीडियोस में कहता हूँ ना मैं काला हूँ, ये देखो ये मेरा असली रंग है, ये वाला टैटू महंगा है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पता क्या है, अभी ये राज बना हुआ है कि ये वाला टॉपिक भाई जो हम सोच रहे वही निकल गया, तो बल्ले बल्ले थे शावा। तो भाई अभी हम निकल रहे डिनर करने के लिए। अभी ये देखो ये रहा हमारा हॉस्टल मुसाफिर, यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैं रुका था, बाइक्स हमारी सेफली अंदर पार्क है भाई, बट अभी हम चार बाइक्स लेकर आए। भाई ये नशे है ना, दारू के नशे नहीं है, ये राइडिंग के नशे है भाई, राइडिंग और बाइक तो नहीं चलाएगा। देखिए तो अभी यहाँ से डिनर करने चलते हैं, देखते भाई कहाँ जाएंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी। आइए सर, सर मलाइका जी, मलाइका जी वन फोटो, मलाइका जी वन फोटो, मलाइका जी जी वन फोटो, मलाइका जी, मलाइका जी प्लीज। कि उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मैंने मेरी लाइफ के जो 3 साल थे सबसे अच्छे लम्हे वो यहाँ पे बिताए थे भाई, यार वो बहुत सच्ची में अच्छे थे, तो मैं उनको हमेशा मिस करूँगा। एंड इसी नोट पे आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं भाई, बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट
24-26 घंटे हो चुके हैं, मैं सोया नहीं हूँ। तो अभी बस थोड़ी देर मैं रूफटॉप पे आके बैठा हूँ, थोड़ी देर इस वाइब को एंजॉय करूँगा और जाके सो जाऊँगा, क्योंकि कल का दिन बहुत लंबा है। कल पूरा उदयपुर एक्सप्लोर करना है हमारे सारे भाइयों के साथ में। भाई गवपा जी, विशाल भाई, तरुण, हिरेश, सबके साथ में। भाई मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग ऑफ कुणाल रॉय, बाय बाय।